तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक और न्यू गेम प्ले में। और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड। तो गाइस, मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों से कहा था कि मैं क्रीपर फार्म बनाऊंगा, तो अब वक्त आ गया है कि मैं वो फार्म बनाऊं। ठीक है, तो एक एक करके मैं सारे फार्म बनाता जा रहा हूँ। आप लोगों ने वुड फार्म बनाने की भी बोली थी, तो वो भी आगे आने वाले टाइम में मैं बनाऊंगा। ओके, लेकिन फिलहाल अभी मुझे ज़रूरत पड़ रही है क्रीपर फार्म की, क्योंकि मैं बता दूँ स्टोन फार्म भी हम लोग बनाएंगे, तो उसके लिए क्या है कि हमें गन पाउडर चाहिए। और गन पाउडर कब मिलेगा? जब हम लोग क्रीपर फार्म बनाएंगे। ओके, एक्सपी फार्म हम लोग पहले ही बना चुके हैं, ये आप लोगों को पता ही है, तो उससे हमें गोल्ड और एक्सपी दोनों ही मिलती है। तो गाइस देखो, अभी है ना मुझे वुड की ज़रूरत है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ट्रैपडोर और बटन बनाऊंगा क्रीपर फार्म में लगते हैं ना, तो इसीलिए मैं मतलब वुड कलेक्ट कर रहा हूँ। तो इधर की साइड में जो जंगल बायोम है ना, इसमें मैं आया हूँ और यहाँ पे मैं ये वाले ट्री कट कर रहा हूँ जिनसे हमें नॉर्मल वाली वुड मिलती है। ठीक है, वैसे इधर की साइड में जंगल वुड भी मिलती है, लेकिन मुझे वो वाली काम में नहीं लेनी है। ओके, ये देखो इधर की साइड से ये वाली कट कर लेता हूँ। वैसे यहाँ से जंगल वुड भी मैं ले ही लेता हूँ यार, किसी ना किसी मतलब उसमें तो काम आ ही जाएगी। चलो, तो देखो आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि क्रीपर फार्म जो होता है ना उसको बहुत बड़ा बनाना पड़ता है। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लोर होते हैं, तो इसीलिए मुझे पता है कि लगभग 5-6 घंटे लगने वाले हैं पूरा फार्म बनाने में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, तो लगता हूँ यार गाइस इस काम पे और बना के कंप्लीट करता हूँ। अब एक बात यह भी देखनी पड़ेगी कि वो वर्क करेगा या नहीं, ये भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने क्रीपर फार्म बनाया था लगभग 1.19 या 20 में। ठीक है, माइनक्राफ्ट के वर्जन में, तो उस टाइम पे वो वर्क नहीं किया था। उसके बाद में मैंने काफ़ी ऊँचाई पर जाके उस फार्म को दोबारा बनाया था, तब जाके वो वर्क किया था। तो अब इस बार देखते हैं, इस बार मैं ग्राउंड पर ही बनाने वाला हूँ। ओके, तो गाइस वुड मैंने काफ़ी सारी कर ली है, अब बारी है स्टोन कट करने की। तो अब स्टोन कट कर लेता हूँ मैं अच्छा खासा, क्योंकि स्टोन पहले से मेरे पास में काफ़ी सारा तो रखा हुआ है, लेकिन अभी भी मुझे और भी ज़्यादा स्टोन चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते ही है क्रीपर फार्म बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टोन लगेगा। मैं एक बात बता दूँ, इस स्टोन को मैं मेल्ट नहीं करूँगा, क्योंकि वैसे तो मुझे पता है मेरे पास में स्मेल्टर है, अगर मैं चाहूँ तो मेल्ट करूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोबल स्टोन से ही बना दूंगा यार, इतना लफड़ा कौन करेगा। ठीक है, और अधिकतर लोग जो क्रीपर फार्म बनाते हैं वो नॉर्मल कोबल स्टोन से ही उसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इतनी भी ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता भाई। वैसे ही इतनी ज़्यादा अभी देखना कितना टाइम लगेगा मुझे, मैं खुद ही परेशान हो जाऊँगा। पिछली बार जब वर्ल्ड में मैंने क्रीपर फार्म बनाया था तो मुझे 3 दिन लग गए थे उसको कंप्लीट करने में, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक ही दिन में कंप्लीट कर दूँ। ओके, तो चलो यहाँ से स्टोन कट कर लेता हूँ अच्छा खासा, फिर उसके बाद मैं क्रीपर फार्म बनाना स्टार्ट कर दूंगा मैं। ओके, तो गाइस मैंने काफ़ी सारी वुड और स्टोन कट किया, और देखो सारा का सारा स्टोन और वुड मैंने रख दी है इस एक बॉक्स में। ठीक है, ये एक बॉक्स खाली था पूरा, तो इसमें मैंने सारी की सारी ये वुड और ये सब कुछ रख दी है। बाकी थोड़ी बहुत वुड मेरे पास में और भी बॉक्स में पड़ी हुई है, ऐसे तो स्टोन भी होगा, लेकिन अभी जो मैंने मतलब मेहनत की है जो वुड और स्टोन कट किया है वो ये है भाई, इसी में मुझे लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया है। ओके, तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब थोड़ा सा मैं मतलब रिलैक्स लेने वाला हूँ, उसके बाद में इस फार्म को बनाना स्टार्ट करूँगा। ओके, तो मतलब छोटा सा ब्रेक होगा, लेकिन भाई ये स्टोन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी रहेगा। हाँ, वुड मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही कट कर ली यार, इतनी वुड भी काम नहीं आएगी। तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी सी वुड ले आऊँ अपने बैग में, वैसे थोड़ी सी नहीं है यार, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग बना लेते हैं पहले वुड प्लैंक्स, और फिर प्लैंक्स से हम लोग बनाएंगे ट्रैप डोर और बटन। ओके, दोनों आइटम बन जाएंगे। चलो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि कितने वुड प्लैंक्स बन जाएंगे, यार काफ़ी सारे हो गए वैसे तो यार एक ही स्टैक में। चलो, तो अब क्राफ्टिंग टेबल भी वहीं पे लगा लेंगे जहाँ पे क्रीपर फार्म हम लोग बनाएंगे। ओके ओके, तो गाइस अभी जो अपना गोल्ड फार्म है ना वहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और अब मैं क्रीपर फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो जैसे कि देखो लाइन वाई बन रहा है सब कुछ, पहले आयरन फार्म है सामने की साइड में, फिर उसके बाद गोल्ड फार्म इधर साइड में, अब उसके इधर की साइड में आ गया क्रीपर फार्म। ओके, और इसको मैं देखो यहाँ पे ग्राउंड पे ही बनाने वाला हूँ। अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्रीपर स्पॉन होते हैं या नहीं, पहले एक बार ऊंचाई देख लेता हूँ, ऊंचाई इतनी सही रहेगी मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस क्या कहते हो, इसमें कितने फ्लोर होने चाहिए आपके हिसाब से मुझे बताओ। चलो देख लेंगे यार गाइस, लगभग 10 फ्लोर का कर देंगे इसको।
तो अब मैं ये मतलब इसका पूरा वो बना लेता हूँ स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लोग देखने में ऐसे तो बोर हो जाओगे, तो बना के और फिर आपको दिखा दूंगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख लो इतना बड़ा प्लेटफार्म मैंने तैयार कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग वाटर डालेंगे, ठीक है, ये उस चीज़ का प्लेटफार्म है, तो इसको मैं अब बाकी कंप्लीट भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे चारों तरफ मतलब एक तरह से बॉर्डर बनेगी, फिर उसके बाद में जाके वाटर रुकेगा। बीच में मैंने थोड़े से मतलब वुड प्लैंक्स लगा दिए हैं जहाँ पे ज़ॉम्बी गिरेंगे, क्योंकि अभी जैसे मैं पानी डालूंगा ना यहाँ पे तो मैं खुद भी बहकर अंदर नीचे चला जाऊँगा, इसलिए। ओके, तो गाइस यहाँ पे देख लो मैंने ये बड़ा वाला चैम्बर बना के तैयार कर दिया है, मतलब यहाँ पे ऊपर से क्रीपर इसमें गिरेंगे और यहाँ पे रहेगा पानी, तो पानी में से वो बहकर और सीधा नीचे चले जाएंगे, फिर वहाँ पे हम लोग क्रीपर को किल कर सकते हैं। तो इतनी ऊंचाई से क्रीपर गिरेंगे ना तो उनकी HP वैसे ही कम हो जाएगी। और यहाँ पे देखो मैंने अनलिमिटेड वाटर सोर्स भी बना दिया है, और अब मैं चारों तरफ पानी डालने वाला हूँ। यहाँ पे मैं गिनती कर रहा हूँ एक बार ब्लॉक की, तो ये सब कुछ मैं अंदाजे से करता हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे मैं पानी डालूंगा और यहाँ तक आके रुक जाए, बस ऐसे अंदाजा ही देखता हूँ। ओके, तो अभी मैं बकेट फुल कर लेता हूँ, एक बकेट मैंने फुल कर लिया, और अब यहाँ पे देखे एक बार डाल के देख लेते हैं सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है। हाँ, तो यार इधर की साइड से तो परफेक्ट है, इधर से भी देख लेते हैं, चारों तरफ मैं एक एक बकेट डाल के देख रहा हूँ। ओके, ये भी ठीक है, अब यहाँ का देख लेते हैं एक बार, ये देखो गाइस तो बिल्कुल सही बना दिया है मैंने। अब आप लोग बोलोगे कि कोने का क्या करोगे, तो कोने का कुछ नहीं करना है गाइस, वो हो जाएगा सेटअप जब मैं पूरे में वाटर डालूंगा ना, तो ठीक हो जाएगा फिर सब कुछ। तो ये लो गाइस यहाँ पे देख लो मैंने चारों तरफ वाटर डाल दिया है, और बताओ कोई कमी है, मतलब सही जगह जाके वाटर रुक गया है ना, और यहाँ पे कुछ भी मुझे ज़्यादा बदलाव करना नहीं पड़ा है। तो अब ये बनके तैयार हो चुका है, अब मुझे बनाने पड़ेंगे ऊपर के फ्लोर जिनमें क्रीपर स्पॉन होंगे, तो वो बनाना स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। ओके, तो गाइस अब मैं यहाँ पे दो कोबल स्टोन के ब्लॉक लगा देता हूँ, क्योंकि अब दो ब्लॉक ऊंचाई पर ही हमारा पहला प्लेटफार्म बनना स्टार्ट होगा, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट रहेगा जिसमें क्रीपर स्पॉन होंगे, फिर इसके दो ब्लॉक ऊपर एक और प्लेटफार्म बनेगा, फिर उससे ऊपर बनेगा, फिर उससे ऊपर बनेगा, ऐसे करके क्रीपर काफ़ी ज़्यादा स्पॉन होंगे। ये मेरे मन की बात है, ठीक है, अब ये वर्क करेगा या नहीं ये मुझे भी पता नहीं है। यार यहाँ पे ब्लॉक लगाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, पता है क्यों, क्योंकि देखो मैं आगे बढ़ते हुए मतलब फेस को आगे की साइड रखते हुए अगर चलूँगा तो ब्लॉक नीचे लग जाएगा पानी के अंदर, और अगर ऐसे लगाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा भाई मुझे भी पता है। लेकिन देखो क्रीपर यहाँ से गिरेंगे और सीधा पानी में बहकर और यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो इसको कंप्लीट कर देता हूँ मैं यार। तो गाइस यार देखो इतने सारे फ्लोर मैंने बना दिए हैं, लेकिन जो ये नीचे वाला फ्लोर था ना इसको बनाने में मुझे बड़ी दिक्कत आई यार, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम में बन के तैयार हुआ। अगर मैं चाहता तो इसको भी आसानी से बना सकता था अगर मैं पानी बंद कर देता नीचे का, लेकिन मैंने सोचा कि यार फिर उसके बाद दोबारा वाटर डालना पड़ेगा, तो इसीलिए रहने देते हैं जैसे तैसे करके इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़े बहुत ये स्पाइडर और कुछ ज़ॉम्बी स्पॉन होना तो शुरू हो गए हैं, और अभी तक तो इसका काम पूरा हुआ भी नहीं है। तो अभी जो ऊपर के बाकी फ्लोर है वो भी मैं बना के और उनको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ट्रैप डोर और बटन लगाएंगे। तो यहाँ पे जिस तरह से अभी स्पाइडर स्पॉन हुआ है तो मुझे लग रहा है कि यार इसमें ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो चलो अब ऊपर की साइड में चलते हैं और बाकी बचे हुए फ्लोर भी बना के कंप्लीट करते हैं। अब गाइस अभी मैं देखो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों को नोटिस करवाना चाहता हूँ कि ये जो बीच बीच में से मैंने ब्लॉक तोड़े हैं ये सभी फ्लोर में से तोड़े हैं, ये देखो नीचे तक बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग ट्रैप डोर लगाएंगे और बाकी जो बची हुई जगह है वहाँ पे बटन लगेंगे, तो वो सब कुछ मैं लगाते हुए दिखा दूंगा, आप लोगों के आगे समझ में आ जाएगा। ओके, तो बस देखते रहो। तो यहाँ पे देखो ट्रैप डोर भी बन सकता है अपने पास में और बटन भी बन सकते हैं। तो अभी भाई मैं उस फार्म से उतर के और अपने घर में आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अब ट्रैप डोर, ठीक है। तो ट्रैप डोर बना के तैयार कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर ट्रैप डोर लगाने भी तो है यार, तो लगभग अच्छे खासे ट्रैप डोर बना लेता हूँ यार। वैसे मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रैप डोर नहीं दो ट्रैप डोर बनाने में इतने सारे वुड प्लैंक्स लगते हैं यार, 6 वुड प्लैंक्स लगते हैं दो ट्रैप डोर बनाने में, सही बता रहा हूँ ना मैं यार, गलत तो नहीं बोल रहा।
चलो तो ये मैं बना लेता हूँ, फिर उसके बाद में ट्रैपडोर लगा देंगे। एक बात मैं और बता दूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रैपडोर मतलब एक साइड से लगाते हुए चलो, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक बार इधर की साइड फेस करे हुए हैं तो इधर से लगा दिए, फिर दूसरी साइड फेस कर लिए उधर से लगा दिए, ऐसे क्या है कि वो उल्टे सीधे ट्रैपडोर लग जाएंगे, मतलब कोई इधर खुलेगा कोई उधर खुलेगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बात मुझे याद रखनी है ओके, और सही से कम्प्लीट करना है इस फार्म को ताकि ये वर्क करे, नहीं तो फिर मन में यह आएगा अगर ये वर्क नहीं करेगा तो कि यार कोई गलती कर दी मैंने। चलो तो गाइस अभी मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ, यहाँ पे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे रात होने वाली है, मैं गलत टाइम पे आया यार यहाँ पे, अब ज़ॉम्बी वॉम्बी स्पॉन होंगे। तो देखो मैं अभी फिलहाल ट्रैप डोर लगा देता हूँ जितने लग पाते हैं, फिर उसके बाद अगर ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे तो मैं चला जाऊँगा वापस अपने घर में सोने के लिए। तो देखो कुछ इस तरह से अब मैं पीछे की साइड में चलता जा रहा हूँ ना, तो बस ऐसे ही करके हमें ट्रैप डोर लगाने पड़ेंगे। एक तो मैं भूल गया, एक्स लेकर आनी चाहिए थी क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे ट्रैप डोर गलत लगेंगे। तो देखो अब मैं पीछे की साइड सरकता जा रहा हूँ और ट्रैप डोर बिल्कुल मतलब एक ही साइड से लगते हुए जा रहे हैं। यार यहाँ का कैसे लगेगा, एक मिनट, यहाँ पे तो कुछ और ही तरह से पीछे की साइड में ब्लॉक लगाना पड़ेगा। ओके लग गया, अबे ये क्या हो गया यार, डबल लग गया। ओके गाइस तो इसमें मतलब जितने भी ये फ्लोर हैं इनमें मैं ट्रैप डोर और बटन लगा के फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके ओके तो गाइस फाइनली अभी दिन हो चुका है, रात हो गई थी तो मैं मतलब माइनक्राफ्ट में जब रात हो रही थी तो लगभग आधी रात तक मैं ट्रैप डोर लगा ही रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब जाके सो जाते हैं एक बार घर में, तो मैं जाके सो गया और फिर उसके बाद मैंने ये ट्रैप डोर लगाए हैं। ओके तो देख लो मैंने यहाँ पे जहाँ पे ब्लॉक तोड़ा था वहाँ पे भी ट्रैप डोर लगाया है और इधर की साइड में मतलब कुछ इस तरह से भी ट्रैप डोर लगाए हैं, समझ गए। तो ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है और मैंने हर एक फ्लोर में इसी तरह से ट्रैप डोर लगाए हैं। अब बारी आती है बटन लगाने की, तो बटन लगाने का काम मैं अब करूँगा। ओके तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर में एक बार फिर से और अब मैं बना रहा हूँ बटन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ट्रैप डोर और बटन पहले ही बना के ले जाते, तो यार पहले मेरे बैग में इतना स्पेस नहीं था क्योंकि स्टोन काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था। तो यार मैं एक बार सोच रहा हूँ कि जितने फ्लोर मैंने बना दिए ना यही रहने देते हैं, ठीक है, पहले इनको एक बार हम लोग ट्राई करके देखेंगे, अगर ये ठीक से वर्क किया तो हम लोग ज़्यादा फ्लोर भी बना सकते हैं, ठीक है, बाद में बन जाएंगे वो तो ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन मान लो मैंने ज़्यादा फ्लोर बना दिए और ये ठीक से वर्क नहीं किया तो फिर उसके बाद इतनी मेहनत फालतू ही जाएगी, तो इसलिए इतने फ्लोर काफ़ी है। वैसे इसके ऊपर एक दो फ्लोर और मैं ऊपर कर दूंगा, सोच तो रहा हूँ यार करूँ या ना करूँ, अभी तक पक्का नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो ऊपर चलते हैं, बटन बन ही गए हैं। ओके तो गाइस अभी देखो मैं बता दूँ बटन कहाँ पे लगेंगे ये आप लोग सोच रहे होंगे, तो बटन देखो यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे हमें आके सेंटर पे खड़ा होना है और फिर ऊपर की साइड में हमें इसी जगह पे बटन लगाना है, ठीक है, यहाँ पे नीचे नहीं लगेगा बटन, यहाँ पे ऊपर की साइड में लगेगा। तो अब जहाँ पे नीचे की साइड में पानी है उसमें भी बटन तो लगाना है मुझे, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन खैर मैं लगा दूंगा कोई बात नहीं। तो देखो कुछ इस तरह से ये बटन लगने वाले हैं, मैं भी अंदाज़ा देख रहा हूँ, यहाँ पे लगा दिया, अब यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे ये गलत लग गया, ओके कोई बात नहीं। तो ये सारे के सारे बटन बस कुछ इस तरह से ही लगेंगे। ओके तो सारे बटन लगा के और आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। फाइनली गाइज अभी मैंने बटन लगा दिए हैं सभी फ्लोर, जितने भी फ्लोर मैंने बनाए थे ना उन सभी फ्लोर में, ठीक है, ऊपर नीचे ट्रैप डोर बटन सबका काम कंप्लीट हो चुका है। बटन मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं आप लोग देख लो, मतलब कि नीचे की साइड में यहाँ पे जैसे ट्रैप डोर लगे हुए हैं तो जिस जगह ट्रैप डोर है वहाँ पे ऊपर की साइड में हमें बटन नहीं लगाने हैं, ठीक है, ये बात समझ गए आप लोग। हाँ जहाँ पे खाली ब्लॉक है जहाँ पे ट्रैप डोर नहीं है उसी जगह पे हमें बटन लगाना है। ओके तो ऐसे सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है, देखो यहाँ पे जैसे बटन लगा हुआ है तो यहाँ पे ट्रैप डोर नहीं है नीचे की साइड में, बस इसी तरह से मैंने सारे ये फ्लोर कंप्लीट किए हैं। अब मैंने ये जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है ना इसका मैंने एक बात मतलब इसकी मैंने एक बात सोची कि अगर इसमें मैं बटन लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा कोई फ़र्क पड़ने ही नहीं वाला, तो इसमें मैं बटन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि नीचे की साइड में तो पानी है, वो तो क्रीपर वैसे भी बहकर जाएंगे ही जाएंगे, सही है ना बात। तो इसलिए मैंने उसमें बटन वटन कुछ भी नहीं लगाया है। तो ये देख लो एक बार मैं फिर से सही से दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बटन मैंने कुछ इस तरह से लगाए हैं। तो अब ये अपना जो क्रीपर फार्म है ये पूरी तरह से बन के तैयार हो चुका है। तो गाइस जब ये फार्म बन के तैयार हुआ तो उसके बाद में मैंने ऊपर की साइड में अंधेरा करने के लिए एक अलग से वो बनता है ना, तो वो छत में बना ही रहा था तो मैंने देखा कि यार यहाँ पे है ना ये स्केलेटन स्पॉन होना शुरू हो गए थे, लेकिन यार मतलब ये बहुत कम थे,
मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा जॉम्बी स्पॉन होंगे, लेकिन सोचने के हिसाब से बहुत कम जॉम्बी स्पॉन हो रहे थे। तो शायद मैंने अभी तक ये ऊपर की छत कंप्लीट नहीं की है ना, इसीलिए शायद ये जॉम्बी कम स्पॉन हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस फार्म को अगर मैं चारों तरफ से पैक कर दूँ तो कैसा रहेगा गाइस। तो चलो इसको पैक ही कर देते हैं पूरा हर तरफ से, फिर अंधेरा हो जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है कि फिर जॉम्बी ज़्यादा स्पॉन होंगे। तो इस फार्म के ऊपर जो रूफ बनानी थी वो मैंने बना दी है, मतलब एक तरह से मान लो छत बनानी थी, सब लोग बनाते हैं तो मैंने भी बना दी है। अब इसमें अंधेरा तो है गाइस, लेकिन जॉम्बी बिल्कुल ना के बराबर स्पॉन हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखो, एक क्रीपर वहाँ पे है और एक क्रीपर उससे ऊपर वाले फ्लोर में है, तो बहुत कम जॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं यार, मुझे ज़्यादा चाहिए थे। तो एक हिसाब से अगर कहूँ तो ये ठीक से वर्क नहीं कर रहा है ये वाला फार्म। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगर पूरी तरह से मैं पैक कर दूँ तो इसमें अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा तो शायद ज़्यादा जॉम्बी स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे। ये अंतिम विकल्प है अपने पास में, अगर उसके बाद में भी ये वर्क नहीं करता है तो भाई फिर उसके बाद इसको तोड़ना पड़ेगा और नया फार्म बनाना पड़ेगा। अब गाइस मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि मैंने क्रीपर फार्म बनाया है लेकिन उसमें मतलब कम जॉम्बी स्पॉन हो रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि जो सबसे ऊपर आपने छत बनाई है ना उसके ऊपर टॉर्च लगा दो अच्छी खासी भर भर के, उसके बाद में ज़्यादा जॉम्बी स्पॉन होंगे। तो भाई मैं अभी सबसे ऊपर आ चुका हूँ यहाँ पे टॉर्च लगाने के लिए, बट मुझे नहीं लग रहा कि यार टॉर्च लगाने के बाद में भी ये ठीक से वर्क करेगा, मुझे नहीं लग रहा है। बाकी हम लोग अभी चेक कर लेंगे, तो मैं टॉर्च लगा देता हूँ पहले एक बार। ओके, अच्छी खासी टॉर्च लगाऊंगा, मैंने अच्छी खासी टॉर्च बना ली है यार। तो यार दोस्तों ऊपर की साइड में टॉर्च भी लगा दी, अभी रात भी हो रही है और फिर भी कोई यार जॉम्बी का नाम और निशान नहीं है इस फार्म में। मतलब यार पता नहीं, कम से कम दो चार जॉम्बी तो स्पॉन होते हैं लेकिन वो भी स्पॉन नहीं हो रहे इसमें। तो मुझे तो लग रहा है नीचे की साइड में कोई बड़ी केव है, या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने इसको ग्राउंड से थोड़ा सा पास में बना दिया है तो इसीलिए शायद ये वर्क नहीं कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे अगर थोड़ा बहुत भी गन पाउडर मिल जाता ना इस फार्म से तो भी मैं इसको रख लेता, लेकिन भाई इसमें तो कुछ भी स्पॉन नहीं हो रहा क्रीपर, क्या यहाँ पे तो स्पाइडर भी स्पॉन नहीं हो रहा यार, जबकि अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। तो अब एक ही विकल्प है अपने पास में, इसको पूरी तरह से पैक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी तो मैं एक बार पैक कर ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आया है, स्टोन आया है यार, ये तो मेरा ही आया है। और यहाँ पे देखो एक भी कोई जॉम्बी नहीं गिर रहा है आके, भाई क्या कर सकते हैं। तो इसको पैक कर देते हैं गाइस। ओके, तो गाइस अभी मैंने इसको 500 टन की टंकी बना दी है पूरी तरह से। यहाँ पे आप लोग देख लो यार, इतना स्टोन इसमें लग गया है, अगर इसको मैं तोड़ू ना तो बहुत ज़्यादा स्टोन गिरेगा नीचे की साइड में। तो पूरा पैक हो चुका है, अब इसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, ठीक है। अब तो जॉम्बी स्पॉन होंगे ना यार, तो अब देखते हैं यहाँ पे बैठ के कि देखे कितने क्रीपर आते हैं यहाँ पे और या फिर कोई और जॉम्बी आते हैं। थोड़ी देर में बैठ जाता हूँ और बैठ के देख लेते हैं। वैसे मैं यहाँ पे आया ना तो यहाँ पे आने के साथ में अगर ये वर्क करता तो यहाँ पे जॉम्बी आना स्टार्ट हो जाते, मतलब टपक टपक गिरना स्टार्ट हो जाते, लेकिन भाई कोई नहीं आ रहा क्योंकि ये फार्म वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। भाई मैं अंदर की साइड में भी बैठ के देख लिया, ऊपर की साइड मतलब अंधेरा करने के बाद में, पूरी तरह से पैक करने के बाद में अंदर कुछ स्पॉन नहीं हो रहा। मतलब मैं एकदम से जब टॉर्च लगाया तो मैंने देखा कि यार कुछ तो स्पॉन हुआ होगा, लेकिन भाई पूरा खाली था वो। तो अब विकल्प है इसको तोड़ने का भाई, क्योंकि इसमें जॉम्बी स्पॉन नहीं हो रहे बिल्कुल भी। तो एक ही बात कहना चाहूँगा, ग्राउंड पे नहीं बनाना चाहिए टेस्टिंग करने के लिए अभी, क्योंकि वर्क नहीं करते है फार्म। इससे बढ़िया है कि अगर मैं इसको इतनी मेहनत में ऊपर जाके करता तो शायद ये वर्क कर जाता। देखो यहाँ पे मैं जाके बैठा था अभी, तो अब तो क्या यार, मतलब अब तो इसको क्या सही करूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्क तो कर रहा नहीं है वैसे भी। तो फालतू में इतनी मेहनत हो गई यार गाइस, सुबह से शाम हो गई, लगभग रात ही हो गई अभी तो मुझे, और अब जाके पता चला है कि ये वर्क नहीं कर रहा है, तो अब इसको तोड़ना बाकी और है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे जाके सर्च कीजिए मैक्समोर गेमिंग, तो आपको हमारा पेज मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी वीडियो देखिए। तो हम मिलेंगे एक और न्यू गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय।